प्याज के भाव में आज बाजार कैसा देखने को मिल रहा है, कौन सी क्वालिटी के भाव में आज तेजी बनी हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो ज्यादातर किसानों और व्यापारियों द्वारा पूछा जा रहा था कि बांग्लादेश बॉर्डर कब खुलने की उम्मीद है और इससे भाव पर कितना असर देखने को मिलेगा, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। आज है 3 जून और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। सबसे पहले बात करते हैं प्याज निर्यात के बारे में, तो दुबई में बाजार में प्याज का भाव सामान्य है। प्याज के भाव की बात करें तो 25 से लेकर 30 रुपए प्रति किलो तक बिकता हुआ दिख रहा है। श्रीलंका के बाजारों में भी प्याज के भाव में तेजी बनी हुई है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश बॉर्डर तो खुला हुआ है पर फिलहाल एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। कारण है बांग्लादेश के अंदर लोकल प्याज का उत्पादन काफी अधिक होना, जिससे वहां की सरकार इम्पोर्ट करने के लिए परमिट नहीं पास कर रही। कम भाव मिलने से किसान द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है। अब निर्यात कब तक दोबारा चालू होगी तो वह वहां के व्यापारियों की माने तो अगले 10 दिन के अंदर प्याज निर्यात चालू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी निर्यात में हल्की कमी बनी रहेगी और बंपर निर्यात इस महीने के आखिर तक होने लगेगी। अब बात करते हैं अलग अलग मंडियों और राज्यों के प्याज के भाव के बारे में, तो नासिक प्याज मंडी में एकदम सुपर क्वालिटी की बात करें तो 1500 तक नीलाम किया गया। वहीं सुपर क्वालिटी की बात करें जो कि अरब के देशों में ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो 1250 से 1500 तक देखने को मिली। डबल पट्टी मीडियम साइज का भाव 1100 से लेकर 1300 तक देखने को मिल रही है। वहीं पे मीडियम क्वालिटी की प्याज की बात करें जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, वो 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिली। मीडियम मोटा प्याज की बात करें जो कि बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सप्लाई किया जाता है, उसका भाव 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। अगर हम बड़े साइज की हल्की क्वालिटी की प्याज की बात करें तो 800 से 900 तक इसका भाव देखने को मिला। गोल्टा प्याज 400 से लेकर 700 तक मंडियों में देखने को मिल रही है। वहीं गोल्टी प्याज की बात करें तो उसका भाव 200 से 500 तक है। तेजी मंदी की बात करें तो आज बाजार में लगभग सामान्य रूप से ही कारोबार करता हुआ दिखा है। वहीं आवक की बात करें तो आवक में फिलहाल हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर आगे भी इसी तरह से आवक की बढ़त बनी रही तो बाजार में हल्की नरमी बनती हुई दिख सकती है। पुणे प्याज मंडी की बात करें तो सुपर क्वालिटी के प्याज 1-2 लॉट 1400 तक बिकी, तो वहीं एवरेज की बात करें तो 900 से लेकर 1200 तक रहा। मध्य प्रदेश की मंडियों में भाव की बात करें तो अच्छी क्वालिटी की प्याज 12 से लेकर 15 रुपए प्रति किलो तक देखा जा रहा, वहीं मीडियम क्वालिटी 9 रुपए से लेकर 11 रुपए तक देखा गया है। दूसरे राज्यों की बात करूँ तो साउथ की मंडी में 1700 से लेकर 1900 तक देखने को मिल रही है और मीडियम साइज की प्याज 1300 से लेकर 1600 तक देखने को मिला। बिहार की मंडी में अच्छी क्वालिटी की प्याज 1100 से लेकर 1300 तक बिकता हुआ नजर आया। बंगाल की मंडियों में 1400 से लेकर 1500 तक का भाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली आजादपुर मंडी में नासिक के प्याज 1500 से लेकर 1700 तक अधिकतर प्याज बिकता हुआ दिखा। वहीं मध्य प्रदेश की प्याज 1200 से 1600 तक के भाव पर आज बाजार खुला है। वहीं कुछ एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के प्याज 1700 के ऊपर भी देखने को मिले हैं। लहसुन की बात करें तो नई ऊटी लहसुन का भाव 3000 से लेकर 3500 तक नीलाम किया जा रहा, वहीं देसी मीडियम 2500 से लेकर 3500 तक के भाव पर ट्रेड कर रहा। हल्की क्वालिटी 500 से लेकर 1500 तक देखने को मिल रहा है। लहसुन के बाजार सामान है। बाकी और कोई भी रिपोर्ट निकल कर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।